हाँ नमस्ते बेटे, ठीक हो आप? ओके। के नाम बताओ? रघुवीर सिंह बाल। मेरे ताई तो दब गया। मारो जी तबे बताते अपना रुझान अभय सिंह चौटाला की तरफ है। सुशील गुप्ता तो यार डमी कैंडिडेट है। डमी कैंडिडेट कैसे? कारण के है अभय सिंह चौटाला की तरफ क्या है रुझान? नहीं होगा टेम पर मुकरे रह गए कौन तेरा बतली का अपना तो लठ गड्डा जरा गड्डा भैया आप तो केजरीवाल गला कुरुक्षेत्र लोकसभा अभियान देने पड़ेंगे और क्या करेंगे अभियान देने पड़ेंगे लोकसभा का। इंडिया गठबंधन ने जिताना पसंद कर इंडिया गठबंधन ने कारण मैं ले ये तो दुकानदारी करने आया कुरुक्षेत्र में तो गंडा बैठ देंगे अभय सिंह का तो यार ग्योमा मंडूसी तो एक रहा है। इसे नहीं पता था भाई जाट तलर जी पंडित जी ने कुमार तय कुमार ने बाडी तय चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज पहुंचे भाई गाँव मानस में सर्वे करने के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा और कैथल डिस्ट्रिक्ट का ये गाँव है और तीन धुरंधर जैसा कि आपको पता है कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में कूद चुके हैं और जानेंगे इन लोगों की राय के भाई कौन सा धुरंधर को जीता के लोकसभा में भेजेंगे। ताऊ राम राम। राम राम। के नाम है ताऊ अपना? राम गोपाल है। ताऊ राम गोपाल जी फिर आप किसकी राम राम कर रहे हैं? एक तो खड़े है नवीन जिंदल बीजेपी तय और इंडिया गठबंधन खड़े है डॉक्टर सुशील गुप्ता और इनेलो से खड़े है चौधरी अभय सिंह चौटाला। कौन सा ठीक लगा अपने? अभय के अबे ठीक लग गया है। अबे ठीक लग। अरे पानी ये का मामा का किसान ने वारे न्यारे करते हैं पानी ये माला तो अबे ठीक लग गया भी और पानी लगता वो। अच्छा अबे ठीक लग गया है। जत्या दोगे? जत्या दे क्यों नहीं वोट जाएंगे जो जत्या देंगे। अच्छा पक्की बात है? पक्की। ठीक है तो राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब अपना? गौरव। गौरव जैसे पहले बताया है मैंने तीन धुरंधर हैं बीजेपी से नवीन जिंदल जी हैं इंडिया गठबंधन से हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और इनेलो से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। कौन सा ठीक लग गया है? अभय के देंगे जी। अभय सिंह के कारण? बढ़िया आदमी है जी। आदमी तो ये भी तो बढ़िया है। देखो बढ़िया है लेकिन हर टाइम पे कोरोना का टाइम है अपना किसान आंदोलन है और भी जो भी मुसीबत पड़ी है बंदे ने हर टाइम साथ दिया है। अच्छा मतलब कि स्टैंड लिया है अभय सिंह ने। बाकी सारे अपने कोठियों में बैठे थे ना तो नवीन जिंदल आया हुआ है। नवीन जिंदल की तो मैंने शक्ल देखे 15 साल हो गए। अच्छा हाँ सुशील गुप्ता कह लिया मैं जमा वारे न्यारे करते हैं तारी लोकसभा में रोज जो बाज गुंजे करेगी कह देगा जी के सारे बनाएगा जदी कहवागा के कोली के सच बनाएगा जदी कहवागा। ठीक है निर्णय कहता खाचा पे गैल दुवार निर्णय कर जमा आए नहीं फिर तेरे 15 लाख है के ताऊ कड़ा है के ई कम उदन जते ते पक्के है ना कोई लोड नहीं कड़ा है लिए जरा मेरे को लग गया सिलेंडर का कड़ा के जी मात्र 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका का वीजा जिसमें 5 फीस है लगने के बाद एक सेमेस्टर की फीस एम्बेसी फीस सर्विस फीस फॉर्म भरने की फीस और हमारी फीस सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आइए गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस कैथल के अंदर और पाइए सुनहरा अवसर। ना किला बिकेगा ना प्लॉट बिकेगा हमारा बच्चा कामयाब होगा यही हमारा मिशन है। जय हिंद जय भारत भारत माता की जय। राम राम चाचा। राम राम भाई। अपना की रुझान है फिर चाचा जी? ठीक है तो सारे रुझान अपना रुझान है फिर भी ये तो के बाद अलग अलग इनके तो सारे आगे फिर इन अगला है और किन तरह लग कौन सा ठीक लग गया फिर भी बता दे। हमने बता दिया और के सारे नाम लेकर बता दे भी अबे लग गए अबे ठीक लग गए पक्की बात है पक्की है क्या लग गए ठीक मारे गल चल रही है अगला लगे। अच्छा मारे गल चल रही है और ठीक है तो अच्छा भाई साहब। राम राम। राम राम जी। नाम क्या है अपना? नाम जी अपना रामवीर सिंह। रामवीर सिंह फिर अपना की रुझान है? अपना रुझान अभय सिंह चौटाला की तरफ है जी। अभय सिंह चौटाला की तरफ। कारण क्या है अभय सिंह चौटाला की तरफ क्या आता है रुझान? कारण जी इसका कोई मोटा कारण तो है नहीं अपने शुरुआत
से ही इन लोग वोट दिए हैं। अच्छा, कभी किसी दूसरी पार्टी के दिए ही नहीं। अभय सिंह चौटाला एक बड़ी दुहाई देगा वो बयान आपके ऊपर, देखो कि भाई आपका विजन दो तौड़ते चुनाव लड़ रहे हैं और एक किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है, जब जब किसानों की जरूरत पड़ी है तो अभय सिंह ने स्टैंड लिया है। देखो जी, ये तो किसान का बेटा, ये तो सभी किसान के बेटे हैं सभी, मतलब मैं इतनी बयानबाजी के बारे में तो कुछ कहना नहीं, और जो भी है मतलब सभी ठीक है, बयान तो इलेक्शन लड़ने के लिए नेता और कुछ ना कुछ देते ही हैं। तो फिर लगा है कुरुक्षेत्र टाइप का नैया पार हो जाएगी? देखो जी, नैया पार तो जनता ने लगानी है, होएगी या ना होएगी, हम तो यही बोलेंगे जब वोट दे रहे हैं तो वो होनी चाहिए नैया पार। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम अपना? अमरदीप भाई। अमरदीप भाई, फिर अपना के रुझान है, तीन धुरंधर है चुनावी रण में भाई? आप तो केजरीवाल गला। केजरीवाल गला। सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं, कारण? कारण भाई, किसानों की ओर पूरी मदद करी बीजेपी ने, पानी बिजली कैट दी थी, केजरीवाल ने पूरी मदद करी। की मदद करी केजरीवाल ने? और बिजली की भी पूरी पंचायत दी थी, तार वगैरह और पानी। देखे तो हरियाणा में थे, उसने क्यों कर पंचायत दिया? हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे, दिल्ली में तो एंट्री हो जाएगी, उसने क्यों कर पंचायत दी बिजली पानी? पंचायत थी भाई। नहीं, कैसे पंचायत दी? जब एक बात होता हरियाणा में आप बैठे हाँ, तो उसने कैसे भेज दी ये बताओ आप मेरे को। बाल्टी की मैंने जब बड़े बड़े टैंकर भेजे थे भाई, हम तो केजरीवाल गए। केजरीवाल गए, लेकिन इस बात में तो निराधार है नहीं कि भाई बिजली पानी, क्योंकि हरियाणा की सीमाओं में बैठे थे किसान, दिल्ली में तो एंट्री होने नहीं दी थी। हरियाणा में तो उसके बंदे भेज दिए थे। अभय सिंह चौटाला का हजारों गाड़ियां लेकर पहुंचा था। नहीं, कमी है अभय में भी, कोई कमी है, उसकी भी इस्तीफा दिया किसान का उसका, फिर आप केजरीवाल। आप केजरीवाल के, ठीक है, धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। के नाम भाई साहब? राम फलज भाई। राम फल भाई साहब, फिर अपना क्या विचार है आप किसका सिर पता जा रहे हैं लोकसभा का? इंडिया गठबंधन ने जिताना पसंद करा जी। इंडिया गठबंधन ने, कारण? बस कारण क्या है, ये अभय सिंह चौटाला है जो सा, ये तो वोट खराब करने का चक्कर में फिर रहे हैं, इसका पल्ला कुछ नहीं है। जैसे जेजेपी केजरीवाल का पल्ला भी तो क्या है, वो भी तो नहीं, मेरी बात मेरी बात तो सुनो, ये भी तो कांग्रेस की बैसाखियों के सारे नैया पार लगाने की सोच रहे हैं, अपनी एंट्री करना चाह रहे हैं। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन जीता है ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। अच्छा, गम्मा से कम 50% वोट है और शहर से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसको। ठीक, धन्यवाद। ताऊ राम राम। हाँ, नमस्ते बेटे, ठीक हो आप? ओके। के नाम है ताऊ? रघुवीर सिंह बाल। रघुवीर सिंह बाल, फिर ताऊ आप कुरुक्षेत्र लोकसभा में तो किश्ती जीते आगे भेजोगे, तीन कैंडिडेट खड़े हैं, ये जितने नौजवान है जिसने कहेंगे उसके दे जाएंगे पर्ची। ये तो कोकी सोई को है, तेरी के रुझान किसों के निकलने जड़े? एक तो जिंदल खड़े बीजेपी का और इंडिया गठबंधन का खड़े डॉक्टर सुशील गुप्ता, इन लो से चौटाला खड़े हैं, अपना कौसा ठीक लगा जड़ा? ये जवान देवेगा उठा मेरी लग गई मोर, मेरी ताई कहने जड़ा मैं कहूंगी उठा देवेगा यू, मेरी ताई ने कहा है। हां, मैं तो पहले दिन तो बड़े रु दिन दे आ रहे हैं। अच्छा, शुरू तो चुटाला के दिन दिया। हां, खंड के आला का लागा की मोड़ तो। अच्छा अच्छा, हां ठीक है भाई। और ये बताओ, तो बाद नौजवान नहीं मानना, फिर तेरी फट दही मैल लिया नहीं? नहीं फिर अबे कल नंबर रोटा कौन जावेगी ठपक है बाले ने तो बेटा मन नहीं पड़े फिर सीन। अच्छा, अरे वो कल ना दावत आई है, गल ना मेरे तो लाई ठठ के गेट दे है मैं बैठ जाऊं और वाला बिना के है भैया। हां ठीक है, तो मेरे में ताई बिना भी कुछ को नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ताऊ राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है ताऊ अपना? सुशील कुमार। ताऊ सुशील कुमार, फिर अपना क्या विचार है, आप किसका सर पे सजा रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा का ताज भाई? आप तो अभय चौटाला के ध्यान। अभय चौटाला का, अरे नौजवान कहे थे इंडिया गठबंधन वाला गुप्ता, तो देखो मर्जी अपनी अपनी। अच्छा, बाकी अभय चौटाला ठीक है। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन कर चौटाला की पार्टी तो थी, ये शामिल नहीं करे ना, बुलाना तो चाहिए था, शुरुआत इसने करी थी। पूरा भारत के अंदर इस्तीफा देने वाला पहला आदमी है ये। हाँ, किसानों के बारे में और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, ना कांग्रेस वाले ने, ना बीजेपी वाले ने, ना दुष्यंत वाले ने। ठीक है, धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम भैया। के नाम अपना? बलिंदर है। बलिंदर, फिर अपना रुझान है भाई? दुष्यंत चौटाला के। दुष्यंत चौटाला के, चाबी के
ठीक है सुभाष जी, फिर अपना के विचार है, आप किसका सर पर सजावेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा का ताज? भाई वो केजरीवाल अपना तो केजरीवाल है। केजरीवाल तो कहे भीतर ठोक दिया कौन है आज का अपनियो तो कह रहे भी माड़ा मुर्दा तो पड़ेगा फिर। अच्छा ठीक है, तब राम राम ताऊ। राम राम भाई। के नाम है ताऊ अपना? छोटू। ताऊ छोटू राम कह दियो आगे नहीं ठीक रहेगा। अपना के विचार है, आप किसके देख रहे वोट? वोट किसे का नहीं भाई, जो का मोर देखा था उसे तेरा छोरा तो कहा था उस देवेंगे, अभी चटाला था चटाला दे जो दे जो मैं भी जीत जो मार गया है। अच्छा तुम भी गल्ले मानना कुछ मारा सारा टब्बर बटला हो गया देगा नहीं हम तो ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बात राम राम। तो राम राम जी, क्या नाम है ताऊ अपना? ईश्वर जी। ताऊ ईश्वर, फिर आप किसकी तरफ? हाँ अभी चटाला गंज। अभी चटाला क्या था? दूर होते जी स्टार्टिंग था जमा। हाँ दूर होते और किसा वोट टोकन देगा? देखे नहीं दिया जी। क्या था ध्यान का नहीं इसकी गुप्ता क्या हो रही है? किसान का बेटा जी। अच्छा दूर अच्छे काम करे। अच्छे काम करे। अरे गुप्ता भी तो दाती पल्ली ठाई फिरा खेता में, यूं तो सारा देश फिरे जी। अच्छा ठीक ठीक। राम राम। तऊ राम राम। क्या नाम तऊ अपना? सियारा। तऊ सियार सिंह, फिर अपना के रुझान है अभ्या का? जमा मन बना रखे है पूरा। यूं कहा है वो छोरा खड़े नहीं ऊपर ना खड़ा गया वो बग गया के नहीं होगा टेम पर मुकरे रह गए कौन तेरा बदली गवा तो अपना तो लठ गाडा जरा गाडा खड़तलोगा गाडे करा लठ गाडा का। फिर लठ कितना गाडा का यो? पूरा मूसल गाडा के। अच्छा अरे गुप्ता खड़िया अरविंदल खड़िया तो देश खड़िया रहे में जमा के पूरी लहर हो रही है नहीं दोनों की न्यू तो लहर रही करे न्यू कहेगा कुछ बने। अच्छा लठ तो इसो गाडा का अभ्यास गाडा का लेता है। ठीक है ठीक भाई। राम राम। राम राम। सबसे पहले तो अपना नाम बता दे। मेरा जसवीर बाल। बाल साहब फिर अपना के विचार है कुरुक्षेत्र लोकसभा में? कुरुक्षेत्र लोकसभा तो अभी तो देने पड़ेंगे और क्या करेंगे। अभी देने पड़ेंगे। हाँ किसानों का साथ दिया भाई ने। अच्छा हाँ इंडिया में पहला बंदा जिसने इस्तीफा दिया था। अच्छा हाँ ऊँ तो देश नंबर बनावा है आंदोलन में। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, लेकिन कोई अपना फर्ज निभा हुआ है तो उसने इसलिए किसान मानना। अच्छा सुशील गुप्ता भी खेतों में गेहूं काटता फिर मामने शुरू तक खेती करी है न्यू किसानों की लड़ाई का मामने बेरा किसानों के मुद्दे कैसे उठाने लोकसभा में? सुशील गुप्ता तो यार डम्मी कैंडिडेट है। डम्मी कैंडिडेट कैसे? यो तो दिल्ली में लाला दुकानदारी कर रहा अपनी, इसके के पता उरा गामा में भाई किस तरह फसल बीजी जावे किस तरह काटी जावे। मैं ले ये तो दुकानदारी करने आया कुरुक्षेत्र में, अब दुकानदारी करागा आ रहा है जितता का कुछ भी होगा अपने दिल्ली में बिजनेस व्यापार करागा। अच्छा कुरुक्षेत्र में दिखने ही नहीं दोबारा यू। और ये जिंदल साहब हैं जो ये कहने 2005 से लेकर 2014 तक बड़े विकास के काम करे हैं जब कांग्रेस की तरफ से एमपी थे ये। जिंदल पहले तो चोर चोर कहे करते कर चोर चोर ये बीजेपी वाले कहे करते। अच्छा अग्नि का चोर है ये भी इतने मसा हो गया अभी के चक्कर है नहीं पता। बाकी बीजेपी का कोई रुझान नहीं है लोगों का, बाकी अभय सिंह के साथ ज्यादा है। अच्छा हाँ बाकी गांव का कितना रुझान है अभय सिंह की तरफ? अभय सिंह तो जीत का अड्डा का बढ़िया है इंजमा जीत का अड्डा का। हाँ कम से कम 4 वोट ना जीतता अभय सिंह तो। अच्छा हाँ और ये कमें देर वो खड़ा गया भाई यू बैठा चलो नहीं तो गंडा पैट देंगे अभय सिंह का तो यार गेहूं में मंडूसी तो एक रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। सुशील गुप्ता अच्छी बढ़िया वोटा का लीड करागा इसी बात नहीं। गामा में काफी वोट है इसके, शहर में 50% वोट है, शहर में 50% लगा पक्के हैं 50%। और जिंदल तो क्या है पहला तो घोटाला वाला चक्कर में इसकी कोयला घोटाला वाला कई कर दे रीब अपने ओईडी का चक्कर में अपने उसो में उन्नो गल बग गया बीजेपी तो कांग्रेस भी कहने लगी इस घोटाला वाला काम कांग्रेस में तो जई तो कोनी कहे घोटाला कुछ नहीं है ना ये तो ईडी का डरता है अपने उसमें बीजेपी में शामिल हो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है धन्यवाद। हां भाई बाल साहब की एक बात और रहेगी भाई अभी सुन लिया जो बीजेपी है ना
वो धरातल पर जातिगत राजनीति करे, जातिगत राजनीति कर रही है। हाँ, जो 35 एक का नारा दिया ना बीजेपी ने दिया, आज से 2014 से पहले कोई भी पार्टी आई या इनर लो आई कांग्रेस आई, किसी ने जातिगत राजनीति नहीं करी हरियाणा में। ये पहली पार्टी थी जिसने जातिगत राजनीति करी है। अच्छा। किसी ने नहीं पता था भाई जाट तलर जी पंडित जी ने, पंडित जी ने कुमार तय कुमार ने बाडी तय, किसी ने नहीं पता था। सब एक थे, छत्ती बिरादरी एक थी। अच्छा, लेकिन जो इस सरकार ने जहर घोलिया ना, ये सबसे बुरी बात है। अच्छा, ये लोगों को सोचनी चाहिए बात बेजाती तो खैर होना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद बाल साहब। देखो भी क्या रवागा, अब आगे जोर है ज्यादा तो अब आगे जोर है। तो ये थी भाई आमजन की राय, सीधा आप तक पहुंची है। और जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल के सबसे चहेते चैनल चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।